सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी ते मैं नवजोत सैनी। इस वेले दी वड्डी खबर, भारत बंद का सद्दा दिता गया सोशल मीडिया के उत्ते। कोल चल रही है कि कल भारत बंद रहेगा, जिसनू लैके पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सरगर्म हो गया है। कल भारत बंद की कोल दिती गई है। अग्निपथ योजना लैके लगातार देश भर के विच प्रदर्शन हो रहा है, जिसनू लैके कल सोशल मीडिया के उत्ते भारत बंद की कोल दिती गई है। तो पुलिस प्रशासन भी इसनू लैके पूरी तरह सरगर्म हो गया है। ADGP लॉ एंड ऑर्डर वालों पुलिस अफसरों निर्देश दिए गए ने, चौकस रहन दे निर्देश दिए गए ने, ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़ सके। तां दस दिए कि लगातार देश के अंदर अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है, थां थां ते प्रदर्शन हो रहे हैं। बीते दिनों भी लुधियाना दे विच प्रदर्शन होया सी, जिसनू लैके हिंसक घटना भी देखने को मिली, तोड़फोड़ की गई। तो हुण सोशल मीडिया के उत्ते भारत बंद की कोल का सद्दा दिता गया है, जिसनू लैके पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह चौकसी वरती जा रही है। तो लगातार तुम दस दईए कि भारत समेत पूरे पंजाब दे विच लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो इसे नू लैके आज जो जानकारी मिली है कि सोशल मीडिया के उत्ते फैल रहा है कि लगातार विरोध, कल भारत बंद का सद्दा दिता गया है। बिल्कुल, देखो सीधे तौर पर जेकर इस पूरे मामले की गल करिए, जिस ढंग के केंद्र की तरफों नौजवानों लिए सेना की भर्ती के अग्निपथ स्कीम जी है शुरू की गई थी, इसका नौजवानों की तरफों वड्डे पद्धर से विरोध किया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो लिमिट थी उसनों लैके विरोध किया जा रहा है कि जो समा 4 साल का रखे वो जे नौजवान ने उन्होंने नामंजूर है, क्योंकि वह कहते हैं कि सेना के जज्बे के नाल नौजवान जोड़े ने वो सेना के भर्ती होते हैं, इस करके वो विरोध कर रहे थे। हालांकि इस विरोध ने बाद के उग्र रूप लेंदे फिर भी नजर आए, कई थावां के उपर अगजनी की घटनावां भी हुई, कई जगह से पथराव भी हुए, लुधियाना के भी इस तरह की घटना हुई थी। और हुण जिहड़ी सोशल मीडिया के उपर खबर चल रही है कि 20 तरीक नूं भारत बंद किया जाएगा, इसके मद्देनजर पंजाब पुलिस के ADGP लॉ एंड ऑर्डर की तरफों हिदायत जिहड़ियां ने वो सारे जिलों के SP ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਲ ਲਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਜਨਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਚੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਪਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸਦਾ ਚੌਤਰਫਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ BJP ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸਦਾ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਵਨੀਤ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਜਨਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
चाहे रेलवे स्टेशन की गल करिए इतने जिहड़े ने या फिर सरकारी दफ्तर की गल करिए उत्थे जिहड़ी सुरक्षा है उसनू होर ज्यादा सतर्क किया गया ताकि उत्थे किसी तरह की भन तोड़ ना होए पर पंजाब दे विच कानून व्यवस्था जिहड़ी है वह कायम रह सके। जी जी जीवनी तमाम जानकारी ले बहुत बहुत धन्यवाद। सो भारत बंद की सोशल मीडिया के उत्ते कॉल दी गई है जिसनों लैके पुलिस भी सतर्क है क्योंकि लगातार विरोध हो रहा है चौ तरफा विरोध किया जा रहा है अग्निपथ योजना का नौजवानों वालों चाहे वह सियासी पार्टियां होन बीजेपी छड़ के लगातार विरोध किया जा रहा है तो सोशल मीडिया के उत्ते हुण भारत बंद की कॉल का सद्दा दिता गया है जिसनों लैके पंजाब पुलिस भी सतर्क हो गई है। ADGP लॉ एंड ऑर्डर वालों पुलिस अफसरों निर्देश दिए गए ने कि सतर्क रहे चौकसी वरती जाए ता जो कोई भी शरारती अंसर किसी भी तरह की घटना अंजाम ना दे सके ता इसलिए पूरी तरह पंजाब कल अलर्ट रहेगा क्योंकि लगातार तस्वीर जो सामने आ रही सन उसनों देखते पंजाब पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है तो लगातार जो तस्वीर सामने आ रही सन उसनों लैके पंजाब पुलिस सतर्क है तो पुलिस अफसरों निर्देश दिए गए ने कि वह सतर्क रहन चौकस रहन चौकसी वरती जाए तो सोशल मीडिया के उत्ते खास करके सोशल मीडिया के उत्ते भी ध्यान रखा जाए ता जो कोई भी शरारती अंसर माहौल ना खराब कर सके क्योंकि पटियाला माफ़ करना पटना बिहार तो या फिर लुधियाना की गल कर रही है तो पिछले समय जो तस्वीर सामने आई सन भन तोड़ की गई सी रेलगड्डी दे विच पटना दे विच अग लगा दित्ती गई सी इस अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध लगातार किया जा रहा सी। सो पुलिस नहीं चाहती कि किसी तरह सूबे का माहौल खराब होवे ता पुलिस इसलिए सतर्क हो गई है अफसरां नूं निर्देश दे दिते गए ने कि वो चौकसी वरतन या कोई ता जो कोई शरारती अंसर किसी भी तरह की घटना अंजाम ना दे सके। देश दुनिया दीआं होर खबरां लई देखदे रहो दैनिक सवेरा TV। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट तुहाडे शहर च पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार वेखो देश विदेश बैठे सानू व्हाट्सएप ते भी कॉल कर सकते ने घर बैठे 11 मिनटां च 101% गारंटी नाल समाधान वशीकरण ते मुठकरनी दे माहिर सब तो पहला काम करन दा वादा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा बरकत औलाद कहने तो बाहर होना कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुप्त रोग पुराना दर्द पति पत्नी चंदबन जादू टोना मनमोड़ी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा ले रुस्से नु मनाना प्यार मोहब्बत बाबा यामीन बंगाली 96435032321।